Alongside with me is an icon of Indian football. He's the state football head coach of Maharashtra, appointed at Crida Prabodhini, selection committee member of School Games Federation of India, youngest coach awarded by late legend Milkha Singh in 2015, and national selector and coach under 18 boys and girls, that is in Crida, and hopefully Adrenaline is going to be somewhere in the list soon. So to do the honors to sir, may I request our first student of the Adrenaline Soccer School, boy, Dhruv Mehta. Parents and everyone here, Dhruv is the first student of the Adrenaline Soccer School family. Request to please say a few words. I'll hold that for you. Thank you so much, Felix sir. Actually, we learn more things from you. Believe me. ये first time नहीं है. हम लोग काफी इसके पहले भी कुछ events ऐसे किए हैं और कुछ ऐसी बातें हुई हैं सर के साथ जिससे हम भी motivate हुए हैं सर. As a being a India coach, अभी काफी हमारे पास में students हैं पूरे India के. जो फ्यूचर हमारे सामने बैठा है इंडियन फ्यूचर. अभी हमारे साथ में एक पेरेंट्स थे मुझसे सर, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बात बताया बाहर कि सर यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सब बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने आते हैं. मैं ये बोलूँगा कि आप सही इंसान के पास में आए. बिलीव मी, मैंने इतने स्टेट्स अक्रॉस इंडिया तो देख लिया, एशियन कंट्रीज़ भी देख लिया, लेकिन जो एनर्जी के साथ फिलिक्स सर आपका ग्रुप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले साल में इंडियन प्लेयर यहाँ से निकलेंगे. निकलेंगे नहीं बेटे? से लाउडली आपको खेलना है. आपसे ज्यादा पेरेंट्स का आवाज है, उनको खेलना है कि आपको खेलना है. ग्रेट ग्रेट. हमारे जो इंडियन कैप्टन है, क्या नाम है उनका? सुनील छेत्री. ठीक है, वो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए फुटबॉल देखिए. इंडियन फुटबॉल को आप देखेंगे तभी. ये मैनली गेम है, बहुत अच्छा खेल है. कल से हमारे फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहे हैं. सो जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं उन्होंने अपना काम किया है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. लेकिन जो किड्स मेरे सामने बैठे हैं, इसके पहले भी मैं यहाँ पर आया था, प्रोग्राम हुआ था, तब मैंने बताया था, कुछ बच्चों को याद होगा कि अपने ड्रीम्स आप लिख के रखो. किसको किसको याद है, कौन कौन है यहाँ पर? आप सबको याद है, लिखा है आपने? लिखा है, ओके गुड. सो ये अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं तो जैसे हमारी आशा लता देवी इंडियन टीम की कैप्टन है, जिन्होंने सीधा बताया था कि उनकी माँ उनको जाने नहीं देती थी खेलने क्योंकि इतने गरीब घर से थे. आप लोग इतने लकी हैं कि आपके पेरेंट्स यहाँ देखिए इतने ठंड है लेकिन फिर भी शॉल लेके ठंडी में ऐसा करते हुए लेकिन खड़े हैं वो सिर्फ आपके लिए. और इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फुटबॉल, एजुकेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सब चीज़ अगर आप करोगे तो पेरेंट्स आपके साथ में रहेंगे. हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है कि सिर्फ फुटबॉल खेलो और कुछ भी मत करो, दैट इज़ नॉट गुड. इफ़ यू आर प्लेइंग फुटबॉल ऑल्सो एंड एजुकेशन स्टडी ऑल्सो, देखिए सब चीज़ कंट्रोल में रहेगा, सब अच्छा रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अच्छा पढ़ाई करके भी अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो क्योंकि फुटबॉलर्स का ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा होता है. क्विक डिसीजंस लेते हैं फुटबॉलर्स, है ना, फील्ड में जितनी जल्दी से कहाँ से पास करना, कहाँ से शूट करना, कहाँ बॉल ट्रैप करना, ये सारी चीज़ें हमको एजुकेशन के थ्रू आती है. जब आप बैठते हो, हम सिर्फ एक घंटा भी पढ़ाई करें तो 10 घंटे पढ़ाई करने वालों को हम कवर कर सकते हैं. फुटबॉलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फुटबॉलर्स, अंडरस्टैंड किड्स? सो आप लोगों को, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है आपके पास में जो होती है वो मोबाइल. ये मोबाइल से आप दूर होंगे तभी आप ट्रू स्पोर्ट्समैन बनेंगे. अगर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आपके अभी हम तो अचीव कर लिए हैं कुछ लाइफ में, मेरी वाइफ देख रही होंगी आप तो मोबाइल पर रहते हो, मैं उनके स्माइल से समझ पा रहा हूँ कि देखिए आप लोग जो है हमारे वर्क है, हम जो कर रहे हैं, आपके डैडी भी वर्क कर रहे हैं, मम्मा वर्क कर रही है, तो वो अगर मोबाइल हैंडल कर रहे हैं तो उन्होंने अचीव किया है. अब आपका टाइम है आपको इन सब चीज़ों से, हमारे समय में मोबाइल नहीं थे, हम लोगों ने पूरा कॉन्सेंट्रेट किया अपने हार्डवर्क पर, अब जो हमको अचीव करना है उस पर. और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके पेरेंट्स आपको देंगे नहीं. ये जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है,
इवन सीनियर इंडियन टीम, सीनियर वुमेन्स इंडियन टीम के जो कोचेस है वो मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कौन सा? मोबाइल। जिस दिन आप इस चीज को दूर करोगे, आप फुटबॉल के और ज्यादा करीब आओगे, आप पेरेंट्स के करीब आओगे, आप अपने फ्रेंड्स के करीब आओगे। बिलीव मी, इफ यू आर फुटबॉलर, लिव इट, छोड़ दो, आपके लिए नहीं बनाया मोबाइल, आपके लिए फील्ड बनाया, बाहर निकलो, फुटबॉल खेलो, घर में आओ, जैसा भी समय मिलता है स्टडीज करो। डेफिनेटली आने वाले 3-4 साल में, जब भी आप, अभी आप 10-12 साल के, 9 साल के, जो भी आपकी एज है, जब आप 14-15 साल के होंगे, तो आप डेफिनेटली महाराष्ट्र टीम का सिलेक्टर में हो, इंडियन टीम का सिलेक्टर में हो, मैं ही मिलूंगा आपको आगे चल के, ये फुटबॉल फील्ड में मैं ही मिलूंगा आपको। तब मुझे आप में से किसी ने आके बोलना, सर आपने बोला था, ठंड लग रही थी, हम लोग बैठे थे, आपने ये बात बोला था। मैं अपने वाइफ को ही बोला कि बहुत ज़्यादा रात हो रही, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4:30 बजे मुझे उठना पड़ता है। मैं वाइफ को बोला कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ये मेरा फ्यूचर है। इन्होंने मुझे बोला था कि शॉर्टकट में निपटा लेना, मैंने हाँ रात तो हो रही है, 11:30, मैं जल्दी कर लूँगा। स्पोर्ट्स पर्सन ऐसी होते, कोचेज ऐसी होते, जो है हमारी फैमिली हमारे सामने है, क्योंकि वो जितना स्ट्रगल करती है, मैं तो घर में रहते नहीं हूँ, बच्चों का भी सब वही करती है। सो ये सब चीज़ें जो आपकी माँ है, आपके जो डैडी, ये अपना काम कर रहे हैं, क्या आप अपना काम कर रहे हैं, ये देखो आप अपना काम नहीं, और यही सही एज है। इस समय जब आपको किक लग गया ना कि मुझे कुछ करना है, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत उस लेवल पे जाने से नहीं रोक सकती, बिलीव मी, हमको भी नहीं रोकी। मैं खुद खेल चुका हूँ, मैं खुद, मिल्खा सिंह जी ने जब, अभी आप बताया मिल्खा सिंह जी, जब इसके पहले भी मैंने बताया था, जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था, तब मेरे हाथ कांप रहे थे, और जब उन्होंने मुझे बोला कि धीरज, इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, मतलब सर मैं कोशिश करूँगा, बस इतना बोल दिया, बाकी कुछ बोलना ही नहीं आ रहा उनके सामने। तो ये एक चीज़ होती है, और वो कोशिश मेरी आज भी जारी है। आज मिल्खा सिंह जी जहाँ भी है वो सुन रहे होंगे, तो मुझे उस बात की खुशी, जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने आके कुछ चीज़ बताता है, तो उसको पकड़ के रखो, यही फुटबॉलर की निशानी, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की निशानी है। सो थैंक यू सो मच फिलिप सर, आपने इनवाइट किया, और काफ़ी बड़े प्राइजेस है यहाँ पर, बच्चों को इंतज़ार है, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, नॉट फॉर ओनली विनर्स, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट थे सबको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, अच्छा आप यहाँ पर फुटबॉल खेले, मैं देखा 2-3 बच्चे, एक छोटी सी लड़की भी, क्या नाम था उसका, खेल रही थी, भाविका, वेरी गुड, तो भाविका भी काफ़ी रन कर रही थी, और वो यही चार मिनट जो है आप लोगों में कंटिन्यू रहे, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर रहे, कि मैं देख रहा था कोई किसी को धक्का भी दे रहा है तो वो फिर से उठ के आ रहा है, यही हमारा फुटबॉल है, और यही लाइफ है, फुटबॉल इज द लाइफ, रियल बिलीव, ये फुटबॉल है ना, इसके आगे ना वो फिनिशर ने सोचा है ना हमने सोचा है, जो कुछ है फुटबॉल ही, फुटबॉल में हर चीज़ हमारे समझ में आती है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आपने इतना अच्छा गेम, इतना अच्छा स्पोर्ट्स चॉइस किया, तो उसको सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से लोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।